इवेंट ऑर्गेनाइजर और लोकप्रिय एंकर मनीष पंडित द्वारा हुआ कुड़ी पटाखा सीजन 4 पार्टी का आयोजन। लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक समिट बिल्डिंग में इस पार्टी का आयोजन किया गया। मनीष पंडित द्वारा बताया गया कि दिवाली के अवसर पर हर साल आयोजित होने वाली ये पार्टी थोड़ी देर से हुई, मगर शहर की 150 महिलाओं ने इस पार्टी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पार्टी में सोलो डांस, गेम्स, ग्रुप डांस का आनंद उठाया गया। पार्टी में आई सभी महिलाओं ने बताया कि वह मनीष की पार्टी का इंतजार पूरे साल करती है और इस पार्टी का कुछ अलग ही अंदाज होता है। हर साल कुछ नई थीमों के साथ इस पार्टी का आयोजन किया जाता है और सभी महिलाओं ने इस शानदार पार्टी का आयोजन करने के लिए मनीष पंडित को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आ गया है नया साल, क्रिसमस भी आने वाला है, उसके साथ सब जोश में है। क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी को लेकर? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, और क्योंकि ये दिवाली पार्टी है थोड़ा डिले हो गया था। हम लोग दिवाली पे इस पार्टी को करते हैं और 3 साल से होती चली आई है, चौथा साल है, तो थोड़ा सा डिले हो गया। बट हमारे सभी दोस्त यहाँ पर आए, हम लोगों ने बहुत सर्टन बहुत ही जल्दी 2-3 दिनों में पार्टी फाइनल करी कि हमें करनी है, नहीं तो सीजन हमारा खराब हो जाएगा। हर साल होती थी, ग्रैंड होती थी, इस बार भी बहुत हमारे सारे दोस्त आए हैं और जितने भी हैं वो 500 के बराबर हैं एक्चुअली, जैसा इन्होंने बोला। और इसका बस मोटिव यही था कि हम लोग एक गेट टुगेदर करते हैं दिवाली के उस पे और दिवाली के उपलक्ष्य में, बट डिले हो गया क्योंकि सब शादियों में बिजी, शादियों का बहुत सीजन था तो हम सब लोग बिजी। क्या कुछ खास थीम है आज इस पार्टी? आज कोई थीम नहीं, आज सिर्फ वेस्टर्न थीम है। लोगों को आना है, डांस करना है, एंजॉय करना है और बस कोई खास थीम हम लोगों ने वेस्टर्न थीम रखी थी। अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस बिल्कुल मैसेज ये है कि मेरा एक मैसेज है कि आप लोग हमेशा, जो हमारे दोस्त हैं, हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहें। लाइफ बहुत छोटी होती है, खुशियां बहुत ढेर सारी हैं और दुख बहुत ढेर सारे हैं, तो आपको चूज करना, आपको खुशियां चूज करनी है, दुख चूज करना, तो अपने अकॉर्डिंग करिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, जिंदगी का नाम जीना है। मतलब मनीष की पार्टी मतलब साल में 2 बार होती है लेकिन अमेजिंग, मतलब उसका स्पीचलेस हूँ क्योंकि उसकी पार्टी में कोई भी जिसको भी इनविटेशन होता बिना सोचे समझे कि जाना है कि नहीं जाना, बस तैयार होना, ओके चले, मतलब मना नहीं कर सकता है। मनीष के जैसा इंसान नहीं देखा, इसलिए मनीष जब भी करेगा, कोई भी पार्टी करेगा, एक पैर पे खड़े होकर आ जाएंगे। कहना चाहेंगे कुड़ी पटाखा सीजन 4 के लिए? सीजन 4 के लिए तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। मनीष से पूछा कि मतलब ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इतना डिले हो रहा है, तो वही बोला वो कि शादी का बहुत ज़्यादा सीजन है इसी वजह से, तो बस हम लोग अचानक से डिसाइड किया 2-3 दिन में, और जैसे मनीष ने बताया कि एंजॉय कर रहे हैं ये पूरी पार्टी है, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बहुत डांस कर रहे हैं। मनीष की पार्टी का हम सबका हमेशा ही इंतजार रहता है, हम तो सोचते हैं सीजन मतलब एक सीजन में ये 2 पार्टी नहीं 4 पार्टी करा करें। तैयारी हम लोग जो है ड्रेस पहनने का, ये कुड़ी पटाखा कहने को सिर्फ मनीष का, पर ये हम सबका इवेंट है, हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं और हम ऐसे आगे जुड़े रहेंगे इवेंट से। कुड़ियों वाली फीलिंग आ जाती है। मनीष कीप इट अप, हम लोग ऐसे जोड़ते रहो, हम लोग ऐसे बुलाते रहो ताकि हमें पार्टी को लेके, मतलब बस वही है, मैं वैसे ज्यादा पार्टीज नहीं करती हूँ, मैं साल में बस एक पार्टी करती हूँ, मनीष ही पार्टी करती हूँ। कैसे लगा पार्टी? मुझे तो हर बार अच्छा ही लगता है, तभी मैं आती हूँ, क्योंकि मैं और किसी भी पार्टी में नहीं जाती हूँ। 3 बातें, बेस्ट होस्ट, बेस्ट एंकर और बेस्ट ह्यूमन बीइंग। हेलो, मेरा नाम पूनम सिंह है, मैं पहली बार मनीष के पार्टी में आई हूँ, इसे हम लोग काफ़ी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं और पहली बार आई हूँ, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा और हमेशा आती रहेंगी, बेस्ट ऑफ। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मनीष मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं किसी पार्टी में नहीं जाती बट उसकी पार्टी में ज़रूर आती है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। थैंक यू। मनीष भैया की पार्टी में हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, हम तो कई बार पार्टी में आए हैं लेकिन हम लोगों ने फुल्ली इंजॉय किया। इस पार्टी में आने की क्या कुछ तैयारी किया? कुछ नहीं किया, ऑफिस से उठ के चले आए, कुछ भी तैयारी नहीं की। मनीष सिर्फ 2 साल में 2 पार्टियां करता है, ठीक है, और वो 2 पार्टियां ऐसी होती है अगर आप 10 पार्टियों में जाओगे तो वो भी फीकी हैं। तो इसलिए मनीष की पार्टी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत ही फैंटास्टिक कार्यक्रम है और मनीष के साथ वैसे हम लोग इंजॉय करते हैं, वो अच्छा
इंसान भी है और जो उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, और पार्टी बेशक लेट हो गई है बट देर आए दुरुस्त आए, वी आर एंजॉइंग वेरी मच। उसमें भी बहुत मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम आए हैं तो बहुत स्ट्रेंज हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, सब ने बहुत अच्छे से मस्ती करी, इसी वजह से हमने ये वाला सेशन इनका अटेंड किया और इसमें भी बहुत मस्ती करी है। और मनीष ने एवरी कैंडिडेट मतलब सबके साथ इतना अच्छा सा वो रखा बिहेव कि मतलब कोई ऐसा है ही नहीं कि जो नेक्स्ट पार्टी के लिए ना। हाँ पूछिए ले, हमें बहुत अच्छा लगा। मनीष जो है पार्टी दो ही करता है और उसकी जो भी पार्टी होती है दो ही पार्टी अमेजिंग पार्टी होती है। नथिंग स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं था उसमें, बहुत ही मतलब उसकी कुछ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है उसकी पार्टी की। 100 पार्टी एक तरफ और मनीष की पार्टी एक तरफ, पूरा 100 पार्टी का एक मजा मनीष की पार्टी में आता है। बहुत मजा आई और ऐसे ही न्यू ईयर भी लोग मनाएं हंसी खुशी से और खूब इंजॉय करें, खूब मस्ती करें। पटाखा में तो मुझे इतना बढ़िया लगा कि हम लोग हम तो चाहते हैं कि हम दिवाली के पटाखे से भी ज़्यादा बढ़िया पटाखा बन जाए करके। चैनल देशपर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।